बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है इंग्लिश 508 का, लेक्चर नंबर 21, ठीक है। और इसकी हेडिंग क्या है? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। और इसका टॉपिक है टॉपिक 104, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल दिया किसने था। तो ग्रेस 1975 में इन्होंने एक जो है ऑर्डनी कन्वर्सेशन एक कंसेप्ट दिया था, रोल दिया था, ठीक है। और इसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का नाम दिया गया इन 1989 में। इन्होंने कहा था कि जो भी आपकी कन्वर्सेशनल होती है उसमें किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। किसी मतलब आप जो भी बात कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो कोई ना कोई आपका टॉपिक होता है, किसी ना किसी के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। इसमें इन्होंने यही बात बताई गई थी, आपकी बात की जो होती है वो एक डायरेक्शन होती है, बस इसी में यही बताया गया था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको एक बार रीड आउट करने की वो है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं ऑब्जर्विंग द मैक्सिम्स। अब मैक्सिम्स होते हैं जो भी आप बातचीत करने होते हैं, हर चीज़ के अपने असूल होते हैं, तो इसमें क्या क्या मैक्सिम्स हैं वो बताए गए हैं आपको। और इसमें क्या दिए गए, मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी होता है इसमें, मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ रिलेशन, मैक्सिम ऑफ मैनर, मतलब कैसी क्वांटिटी होती है आपकी बातचीत की, जो भी आप दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसका रिलेशन किस तरह होना चाहिए और उसके किस मैनर में उसको बोलना चाहिए, ठीक है, किस मैनर में बात करनी चाहिए, मतलब वो इसमें बताया गया है। क्या है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी से डेट स्पीकर शुड बी एज इंफॉर्मेटिव एज रिक्वायर्ड, दे शुड गिव नेदर टू लिटिल इन्फॉर्मेशन और टू मच। इसमें क्या होता है कि आपने एक क्वांटिटी में अपनी बात को बताना होता है, ये नहीं है कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जो है वो इतना आंसर दे दें कि अगला बंदा ही जो है वो हो जाए कि मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या मिल रहा है मुझे, ये इतना बड़ा मैंने तो क्वेश्चन ही पूछा था जितना बड़ा आंसर दे दिया गया है, मतलब टू द पॉइंट बात होनी चाहिए इसमें। वो बताया गया कि मैक्सिमम क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन कन्वर्सेशन टू बी जेन्युइन एंड जस्टिफाई। इसमें जो होती है सिर्फ आपकी जेन्युइन चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, और जिससे चीज़ें आप सेटिस्फाई हों वो होनी चाहिए। और इसमें जो बाज़ूकात लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक किस्म की बोंगे मारना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक वो उस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ रिलेशन और सिज डैट स्पीकर आर एज्यूम टू बी सेइंग समथिंग डैट इज़ रेलिवेंट टू वर्ड हैज़ बीन सेड बिफोर। इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आप पहले बात कर रहे हैं अगली बात भी आप उससे रिलेटेड करें, जो आपका टॉपिक चल रहा हो मेन के उसी टॉपिक के रिलेटेड बात करें, ठीक है। और मिसाल में इस तरह इसमें बताऊंगी कि अगर आपको कोई ऐसे दिया गया है माई स्कूल, तो उसमें आप माई स्कूल के रिलेटेड ही सारा कुछ लिखें, उसमें आप टीचर के रिलेटेड या कोई स्टूडेंट के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड मतलब वो ना लिखें, ठीक है। अगर स्कूल का आपको टॉपिक दिया गया तो उसमें स्कूल का ही जिक्र आप करें और वही लिखें। इसमें मैक्सिमम ऑफ मैनर मतलब एक मैनर में रह के आप बातचीत करें, अवॉइड करें जो भी फजूल बातें हैं उसे अवॉइड करें, ठीक है, बस वही बताया गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्लोटिंग द मैक्सिम्स मतलब आपके जो भी असूल वगैरह हैं, कायदे ज़वाबित हैं, उसमें आपको एक फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह बात करनी है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, मतलब ये भी इन्हीं मैनर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और बातचीत में किस तरह आपकी फ्लुएंट्री होनी चाहिए और किस तरह की वर्डिंग आपने यूज़ करनी है, इसमें वही बताया गया है। When speaker appear not to follow the maxim but expects hearer to appreciate the meaning applied, we say that they are flirting. इसमें क्या होता है कि अगर तो स्पीकर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, मैक्सिम्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन सुनने वाला जो है वो बात को समझ आता है कि नहीं इसने ये बात ऐसे की थी। अगर उसने पोस्ट बोलने वाले नेगेटिव बात भी की है तो वो फिर भी उसको पॉजिटिव में लेके सुन लेता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फ्लंटिंग, ठीक है। इन ब्रिटिश इट्स क्वाइट कॉमन टू से डू यू फाइंड इट्स गेटिंग अ बिट चिली इन हेयर। तो इधर एक जो है वो ब्रिटिश की एक बताई गई है, आपको कोटेशन दी गई है, एंड मीन आई वांट टू पुट द फायर ऑन, ठीक है। इसमें जो है वो एक कहावत आपको बताई गई है कि डू यू फाइंड इट्स गेटिंग अ बिट चिली इन हेयर, ठीक है, कि मतलब जो हम ज़्यादा तीखे लोग होते हैं, ज़्यादा तेज चलाक होते हैं, उनको चिली का नाम उन्होंने दिया गया है। और उसमें और चिली से हम लोग, हमें पता है कि वो चाहता है कि वो उस पर फायर रखे,
ठीक है, मतलब आग आग के रिलेटेड उसने बोला है इसको. व्हेन फ्लोटिंग मैक्सिम द स्पीकर्स अज्यूम दैट द हेयरर नोज दैट देयर वर्ड्स शुड नॉट बी टेकन टू फेस वैल्यू एंड दे कैन इन्फर देयर इम्प्लिक्ट मीनिंग. ठीक है, वो उसके फेस वैल्यू पे नहीं जा रहा कि उसने उसको चिली का नाम दिया है, उस जो भी स्पीकर है. ठीक है, उस वो उस बात पे नहीं गया कि उसने किसी को चिली का वर्ड से पुकारा है, वो उस बात पे गया कि वो मतलब कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, वो उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि वो आग जैसी है, मतलब या लाइक वो इतनी तेज़ चालाक है, मतलब वो इस मायने में उसको लेके जा रहा है. ये फ्लोटिंग होती है. फ्लोटिंग क्वांटिटी की किस तरह की होनी चाहिए, फ्लोटिंग क्वालिटी और इसका रिलेशन फ्लोटिंग मैनर वो कैसे होने चाहिए. द स्पीकर हु फ्लोट्स मैक्सिम सीम्स टू गिव टू लिटल और टू मच इंफॉर्मेशन. इसमें अगर स्पीकर जो होगा वो टू मच इसमें एक्सपर्ट होगा तो जाहिर है वो अपनी बात को टू द पॉइंट करेगा और ज़्यादा वो जो है वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा. इसमें यही है, फ्लोटिंग क्वालिटी किस तरह होनी चाहिए वो भी आपको बता दी है. रिलेशन जो है वो भी आपको पता है कि किस तरह आपकी कन्वर्सेशन एक कनेक्शन होना चाहिए, जो भी बात हो रही है उसमें के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, इसमें वही बताया गया है. और वॉलेटिंग द मैक्सिम्स अगर आप वॉलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉलेशन इज अनऑस्टेंशियसली क्वाइट डिसीविंग. और वॉलिंग द मैक्सिमम क्वान्टिटी हजमेंट हाउ मच डिड डैट न्यू ड्रेस कॉस्ट वाइफ लेस देन द लास्ट वन. ठीक है, मतलब अगर आपकी ये एक आप वायलेशन करते हैं, आपको बोलने की किस्म की आप कहते हैं कि तमीज़ नहीं है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हस्बैंड जो है वो पूछ रहा है कि इस ड्रेस की कॉस्ट क्या कितनी प्राइस है, तो वाइफ कहती है कि पहले ड्रेस से सस्ता है ये. ठीक है, मतलब रूडली थोड़ा बिहेव कर रही है वाइफ कवर एज द प्राइस ऑफ द ड्रेस बाई नॉट सेइंग हाउ मच दज नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द हस्बैंड एंड वन मैसेज ऑफ क्वानिटी. अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही अपने हस्बैंड को, तो इसका मतलब है कि वो वायलेशन कर रही है मैक्सिम्स की. ठीक है, तो ये आ जाते हैं अब वायलेटिंग द मैक्सिम्स क्वालिटी और वायलेटिंग द मैक्सिम्स रिलेशन कैसे होने चाहिए और वायलेटिंग द मैक्सिम मैनर. ये हमने पढ़ लिया था, मतलब इसकी मिसाल आपको मैंने दे दी है. तो किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी में इसी तरह के वो सिंसियर होके अपना जो है वो उसको रुपीज़ बताए. ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब ड्रेस की कितने उसके कितनी प्राइस है उसकी कॉस्ट वो बताए, इसमें क्वालिटी में आ जाएगा. और रिलेशन के ये है कि आपका जो बात है वो आप अगर सीधे से बताएं और टॉपिक टू द पॉइंट बात करें. ठीक है, आई नो लेट्स गो आउट टू नाइट नाउ वेयर वुड यू लाइक टू गो, दिस शो द वायलेशन ऑफ द मैक्सिम ऑफ रिलेशन. ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात कर लेना, तो वो इसमें आ जाता है. ठीक है, मैनर में भी वही चीज़ आ जाती है इसमें. और आगे आ जाता है लिमिटेशन ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की क्या है लिमिटेशन होती है. ग्राइस इज रेगुलर एक्यूज ऑफ प्रोमलगेटिंग आ थ्योरी डेट इज टू फ्रेंडली स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेटिव इंट्रैक्शन अमंग पीपल. फॉर एग्जाम्पल डैनिन क्लेम्स डैट. अरे इसमें इन्होंने हमने ऊपर भी देखा था कि इसने वही इसको बयान किया था कि कनेक्शन होता है कम्युनिकेशन के अंदर. और मैक्सिमम कोऑपरेटिव डिस्कॉन्ट अप्लाई टू रियल कन्वर्सेशन. ठीक है, जो कि रियल कन्वर्सेशन के अंदर अप्लाई होता है. इन कन्वर्सेशन वी डूड वॉन्ट टू अप्लाई बट वट वी मीन बिकॉज वी आर जजिंग द नीड्स इन इन्वॉलमेंट एंड इंडिपेंडेंस. अच्छा, कुछ हम लोग कन्वर्सेशन में ये भी होता है कि हम लोग ज़्यादा रियलिटी को शो नहीं कर रहे होते, हर चीज़ ब्लर ब्लर्ट में कर रहे होते हैं. ठीक है, कि अगर किसी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं तो हम खुल के वो बात नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं. ठीक है, तो इस मायने में इसमें बात कर रहे होते हैं. बाकी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो भी था वो मैंने हाईलाइट कर दिया. और उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ